हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स वाली सीरीज में यह स्पेशल है, जिसमें आज मैं आपको मोदी कैबिनेट के जो भी इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स के नाम हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप जो है लिख सकते हो जय हिंद, ताकि मैं समझ जाऊँगा कि आपको और वीडियोस की ज़रूरत है जस्ट एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली लास्ट 24 आवर्स से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी थी, बिकॉज आई वॉज डूइंग समथिंग। यू कैन सी इट हियर एट योर स्क्रीन, आई होप यू विल डू इट टू। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस? आपको लग रहा होगा कि ये स्पेस वाले मिनिस्ट्री की तो बात मैंने सुनी ही नहीं। तो याद रखना, पीएम या फिर जो राज्य के सीएम होते हैं ना, लगभग लगभग बहुत बड़े बड़े पावरफुल ये पोर्टफोलियो को रख लेते हैं अपने पास। सीएम खास करके जो होम मिनिस्ट्री होती है, हर राज्य में आपको होम मिनिस्टर जो है मुख्यमंत्री ही मिलेगा। अब बात करते हैं पीएम की, तो पीएम के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट भी होते हैं, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पीएम के पास ही होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के मिनिस्टर कौन है? तो नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? अब आपको लग रहा होगा कि ये एक्सटर्नल अफेयर्स क्या होता है, तो सबसे पहले जान लो आप, इसे शॉर्ट में ई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऐसे भी लिखा जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात, इसे बोला जाता है फॉरेन मिनिस्टर या विदेश मंत्री भी बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, लेकिन ऑन पेपर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ही इसे बोला जाता है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, सुब्रमण्यम जयशंकर या अमित शाह? तो देखिए, इनका नाम जो है एस जयशंकर, ये पहले क्या थे? आईएएस ऑफिसर थे। उसके बाद इनके काम में इतने ये निपुण थे कि इनको जो है मोदी गवर्नमेंट में राज्यसभा के द्वारा सबसे पहले इनको एमपी बनाया गया, एंड आफ्टर दैट इनको जो है मंत्री बना दिया गया। तो एस जयशंकर, आपका आपने नाम सुना होगा, शॉर्ट फॉर्म एस है, वहाँ एस स्टैंड फॉर सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस? डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी के? नरेंद्र मोदी, सुब्रमण्यम स्वामी, अमित शाह या राजनाथ सिंह? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह हमारे क्या है? डिफेंस मिनिस्टर हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूँ, QOD आप समझ लेना इसे। भारत की पहली कंप्लीट डिफेंस मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी, कमेंट करके कोई मत बताना, वो प्रधानमंत्री के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर थी, इसलिए उनको काउंट नहीं किया जाएगा। कंप्लीटली जो है डिफेंस मिनिस्टर पहली महिला कौन बनी थी, नीचे कमेंट करके आप लोग इसका आंसर दोगे। हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज? बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, डेवलपमेंट आपके राज्य में या फिर देश में तभी होगी जब आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बोला जाता है नितिन जयराम गडकरी, यानी कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। नितिन जयराम, इनके जयराम इनके पिताजी का नाम है, महाराष्ट्र में या फिर साउथ में अपने पिताजी का नाम मिडिल में लगाते हैं, तो राइट आंसर डी होगा। एक और बात मैं बता देता हूँ, नितिन गडकरी पहले स्टेट में क्या थे वो, वहाँ पे रोड मिनिस्टर थे वो राज्य सरकार में, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा काम किया, उनके नाम को लोग गडकरी नहीं रोडकरी बुलाते थे, तो ये बहुत फेमस थे, बहुत ही काम को लेकर ये डेडिकेटेड हैं। डी इनका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स? यानी कि होम मिनिस्ट्री किसके पास है, आपको ये बताना है। होम अफेयर्स यानी कि होम अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारामन, स्मृति ईरानी, अमित शाह या नितिन गडकरी? तो आपको पता चल चुका है कि नितिन गडकरी क्या है, हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं, और स्मृति ईरानी के बारे में आगे जानेंगे। फिलहाल जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, अगर पीएम देश के बाहर हो तो पीएम के गैर मौजूदगी में अगर किसी को डिसीजन लेना होगा तो वो होम मिनिस्टर ही होगा जो सारे डिसीजन लेगा, यानी कि अमित शाह को आप ऐसे समझ लो कि वो सेकेंड पीएम है, अभी करेंटली की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस? फाइनेंस के मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी? तीनों नहीं होंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्मला सीतारमन, साउथ से आने वाली मिनिस्ट्री ये संभालती है, और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और निर्मला सीतारमन JNU, जी हाँ, जवाहर नवोदय यूनिवर्सिटी से, ये विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई है, JNU से ये पास आउट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को कौन संभालते हैं? पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल या नितिन गडकरी? देखिए, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, आपको बस ये बताना है ना, टोटल मैं 30 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा,
और आप एक बार फिर से रिकैप कर लेना, और आपने जो आंसर सोचा था 30 में से आपके कितने जो है आंसर करेक्ट हुए, 30 में से किसी का अगर 15 आ रहा हो या फिर किसी का 30 में 30 आ रहा हो तो नीचे कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बता दीजिएगा ईमानदारी से, बी ऑनेस्ट विथ यू। और एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ऑनेस्टी से, फेयर एंड स्क्वायर का क्या मतलब होता है? फेयर एंड स्क्वायर का क्या मतलब होता है? एंड में यहाँ पे एंड समझ लेना, स्क्वायर का क्या मतलब होता है? जगह कम है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा, शॉर्ट में लिखना नहीं होता, यहाँ पे एंड लिखना है आपको। फेयर एंड स्क्वायर का क्या मतलब होता है नीचे कमेंट करके बताना है आपको। आगे बढ़े उससे पहले बता दूँ, अगर आप आखिरी समय में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो 99 में हैंड रिटन नोट्स मेरे एक्वायर कर सकते हो। यहाँ से मेरी ई मेल आई डी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पर मेल कर लीजिए। इफ़ यू ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। आप जो है आखिरी समय में तैयारी के लिए ये नोट्स परचेज कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? तो मैंने बताया आपको आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल, यानी कि राइट का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? तो देखिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेनका गांधी, मोनिका गांधी नहीं इनका नाम है, मेनका गांधी नाम है, जो कि संजय गांधी की वाइफ थी। मोदी गवर्नमेंट में इन्होंने इस डिपार्टमेंट को बहुत दिनों तक संभाला, लेकिन अभी जो करेंटली है, अभी जो इसकी करंट मिनिस्ट्री संभाल रही है, उनका नाम है स्मृति जुबैन ईरानी। स्मृति जुबैन ईरानी, आपने इनकी बहुत सारी सीरियल, टीवी सीरियल इनको देखा होगा, जिसमें कि कभी सास भी कभी बहुत ही, दैट वाज फेनोमिनल एंड इट वाज सुपर हिट सीरियल। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जो आदिवासियों के कल्याण के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है, उसके मिनिस्ट्री को कौन संभालते हैं? तो याद रखिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, यहाँ पे ट्राइबल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तेलंगाना और तमिलनाडु में भी आपको ये मिल जाएंगे, लेकिन झारखंड में जो है ट्राइबलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और मिनिस्ट्री भी यहीं से संभाली जाती है, जिनका नाम है अर्जुन मुंडा। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस? लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर की बात की जा रही है। स्मृति ईरानी अभी मैंने बताया आपको चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, और अर्जुन मुंडा ट्राइबल मिनिस्टर, धर्मेंद्र प्रधान, ये एक्चुअली एच नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो ये भी ऑप्शन कट गया, बचा कौन, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो हैं नॉर्थ ईस्ट से आने वाले हैं, और इनका राइट आंसर सी ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने आप लोगों को बताया करेंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे, धर्मेंद्र प्रधान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु इज़ करेंट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? यानी कि कृषि मंत्री कौन है, मोटा माटी अगर बोला जाए तो कृषि मंत्री का नाम आपको बताना है। वीरेंद्र कुमार नहीं होगा, भूपेंद्र यादव नहीं होगा, मनसुख एल मांडविया ये भी नहीं होगा, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर। और जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। आपको याद होगा जब न्यू दिल्ली में किसान ट्रैक्टर वगैरह लेकर इन्होंने डेरा डाल दिया था, फार्म जो 3 फार्म्स लॉ थे उनके अगेंस्ट ये हो गए थे, उस समय नरेंद्र सिंह तोमर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हु इज़ करेंट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के करेंट मिनिस्टर कौन है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वीरेंद्र कुमार, यानी कि ऑप्शन सी के साथ आपको जाना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बात आ गई किसकी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ मिनिस्टर ही इन्हें बोला जाता है, लेकिन ऑफिशियल जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बोला जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा मनसुख जो है एल मांडविया। एल यहाँ पे देखिए इनके पिताजी के नाम को लेकर रखा गया है, एल एल जो है बीच में इनके पिताजी का नाम स्टैंड करता है, इसलिए शॉर्ट में एल लिख दिया मैंने। आगे बढ़ेंगे। हु इज़ करेंट मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? लेबर और एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव। यानी कि सी क्या हो जाएगा, भूपेंद्र यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हु इज करेंट मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस? आपको बताना है हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के मिनिस्टर कौन है। नारायण राणे, देखिए
याद रखिए महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ में लगभग लगभग जगहों पे अपने पिताजी का नाम बीच में लगाया जाता है। नारायण राणे के बीच में आपको एक और नाम दिख जाएगा, प्रहलाद जोशी दूसरा ऑप्शन, तीसरा है महेंद्र नाथ पांडे, चौथा ऑप्शन है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से आते हैं और अगर बीजेपी की गवर्नमेंट इन फ्यूचर वहाँ पे बनती है तो गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत बड़े दावेदार हैं कि वो आगे चलकर चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे बन सकते हैं। बाकी मोदी जी जाने उनकी मन की बात, वही बता सकते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा महेंद्र नाथ पांडे, जो कि क्या है, हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के मिनिस्ट्री को संभालते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और बहुत सारे जो है करोड़ रुपए जो है, जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद MSME, इनका शॉर्ट फॉर्म है वो हो जाएगा MSME, जी हाँ, इसका नाम आप लोगों ने बार बार सुना होगा। इसमें करोड़ों रुपए जो है गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी नारायण राणे, क्या हो जाएगा, नारायण राणे। और इनको जो है ना, मतलब थोड़ी सी फनी सी बात हो गई, इनको महाराष्ट्र में अरेस्ट कर लिया गया और ये दूसरे ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी तक के इंडियन इतिहास में जिनको अरेस्ट किया गया है। इससे पहले भी एक जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, करेंट मिनिस्टर कौन है जल शक्ति के मिनिस्टर का नाम आपको बताना है। बिल्कुल राजस्थान से आने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत। मैं ट्रिक बता देता हूँ, राजस्थान में पानी की कमी है और जल शक्ति दे दिया गजेंद्र सिंह शेखावत को। थोड़ा सा अपोजिट करके आप जो है मिनोमिक्स करके इसे याद कर सकते हो। हु इज करेंट मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, RSS के बहुत पुराने नेता प्रहलाद जोशी। जी हाँ, प्रहलाद जोशी को जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया गया है। सदर जो सेशंस होते हैं ना पार्लियामेंट में, वो कैसे अच्छे से चले, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और अपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनसे मिलकर कोई भी अगर मसला हो जाए, कोई भी इशू हो जाए तो उसको रिजॉल्व करने का काम किसका होता है, प्रहलाद जोशी का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हु इज़ करेंट मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज। देखिए ये आपको बताना है, एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज के मिनिस्टर कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पुरुषोत्तम रूपाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, हु इज करेंट मिनिस्टर ऑफ रेलवे, रेलवे के करेंट मिनिस्टर कौन है। तो अश्वनी वैष्णव इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये IT मिनिस्टर भी हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर यही हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पोर्ट्स, जी हाँ, पोर्ट्स का मतलब होता है बंदरगाह, शिपिंग एंड वाटरवेज। अब ये देखिए, वाटरवेज अलग है, रोडवेज अलग है, तो इसके मिनिस्टर कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल। और याद रखिएगा ये आसाम के चीफ मिनिस्टर थे और इस बार जो है हेमंत बिस्व शर्मा को बनाया गया है और इनको जो है यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है, रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है। यहाँ से देख लीजिए चारों ऑप्शंस, नीचे कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताओगे, मैं आपको नहीं दे रहा आंसर इसका, गूगल करके इसका आंसर बता दो, मुझे भी तो पता चले वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। हु इज करेंट मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एविएशन यानी कि जहाजरानी मिनिस्ट्री, हिंदी में अगर बोलूँ टू बी स्पेसिफिक, तो जहाजरानी मिनिस्ट्री कौन संभालते हैं। तो देखिए वो बोलते हैं ना कि हिस्ट्री जो है अपने आप को दोहराता है, रिपीट करता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पिताजी भी यही मिनिस्ट्री थे, वो कांग्रेस में मिनिस्टर थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या हुआ, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए, उसके बाद ये बीजेपी में शामिल हो गए और मोदी गवर्नमेंट ने इनको क्या कर दिया, वही मिनिस्ट्री संभाल दी जो इनके पिताजी कभी संभाला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हु इज करेंट मिनिस्टर ऑफ स्टील, स्टील के करेंट मिनिस्टर कौन है, इस्पात विभाग को संभालने वाले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए ही हो जाएगा, रणचंद्र प्रसाद सिंह, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे, हु इज करेंट मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री जो है वो कौन संभालते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पशुपति कुमार पारस। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, जो पैकेजिंग फूड होती है उसमें क्या स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा। एक बार याद होगा आपको, मैगी को बैन कर दिया गया था क्योंकि उसमें लेड यानी कि सीसा पाया गया था, तो मैगी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। एक बार एडल्टरिंग हो गई थी,
हनी की। एडल्ट्रिंग का मतलब होता है मिलावट करना। हनी में जो है शुगर मिला दिया गया था, जिसमें से सिर्फ एक कंपनी सफोला, जो सफोला गोल्ड है, हनी बनाती है, वही उस जो टेस्ट है उसको पास कर पाई थी। अदरवाइज जितने भी हनी प्रोड्यूसर हैं, डाबर हो, पतंजलि हो एंड मैनी मोर, सारे लोगों का एडल्ट्रिंग में वो फेल हो गए थे। तो फिलहाल अभी सारे स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तो आप किसी का भी हनी ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे, हु इज करंट मिनिस्टर ऑफ पावर, पावर के करंट मिनिस्टर कौन है, आपको बताना है इसका आंसर। तो देखिए, आर के सिंह बिहार के बहुत ही फेमस जो है ये ऑफिसर थे, और फिर इनको जो है मिनिस्टर बना दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजकुमार सिंह इनका पूरा नाम है, आर के सिंह के नाम से ये फेमस हैं। याद रखिएगा, आर के सिंह और राजकुमार सिंह दोनों एक ही इंसान हैं, जैसे गंगाधर ही शक्तिमान था, वैसे याद रखना राजकुमार सिंह ही आर के सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरदीप सिंह पुरी, ये सिविल एविएशन मिनिस्टर थे पहले। हरदीप सिंह पुरी को गैस के दाम पे जो है ध्यान देना होगा, गैस के जो डोमेस्टिक एलपीजी का जो है रेट वो डे बाय डे हाई होता ही जा रहा है, इससे अच्छा तो कांग्रेस के शासन में ही प्राइसेस थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करंट मिनिस्टर ऑफ कल्चर, कल्चर के जो भारत का सांस्कृतिक मिनिस्टर मिनिस्ट्री बनाया गया है, उसका राइट आंसर क्या होगा, किशन रेड्डी। और किशन रेड्डी कट्टर हिंदू स्वभाव के हैं, और इनके बहुत सारे ट्वीट जो है आपको इस तरह के मिल जाएंगे, ए इसका राइट आंसर होगा। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, बिल्कुल कहाँ है अनुराग सिंह ठाकुर, आंसर लगा दोगे आप, ये रहा अनुराग सिंह ठाकुर, इनका पूरा नाम है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी मिनिस्ट्री वाली वीडियो। करंट अफेयर्स के कुछ और वीडियो चाहिए होंगे तो नीचे कमेंट करके उस टॉपिक का नाम आप लोग सजेस्ट कर दें, तो उस पर वीडियो बनाई जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते फिर से दोहरा दूँ, 99 रुपीज़ में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो, जिन्हें लेना होगा। लास्ट टाइम में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से CSV को क्रैक करना है, तो yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हो आप मुझे। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो छोटू वाला जो बेल आइकन है उसे दबा देना है। थैंक यू अगेन।